राज्यपाल ने आरबीआई से गुहार लगाई है। इसमें उसने भारत में जारी 100 से अधिक के नए नोटों को वहां भी लीगल टेंडर घोषित करने की अपील की है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात कही गई है। हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश के केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक यानी कि एनआरबी ने आरबीआई को लेटर लिखकर 200, 500 और 2000 रुपए के नोटों को लीगल टेंडर बनाने को कहा है। एनआरबी ने भारत के केंद्रीय बैंक को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी करने को कहा, जिससे 100 रुपए से अधिक मूल्य के नोट नेपाल में भी स्वीकार किए जा सकते हैं और लेन देन में सुविधा होगी। आरबीआई ने अभी नेपाल में केवल 100 या इससे नीचे के मूल्यों के नोटों का सर्कुलेशन की स्वीकृति दे रखी है। 500 और 1000 रुपए के नोटों को बैन करने से पहले आरबीआई ने पेमा नोटिफिकेशन के तहत कहा था कि नेपाली नागरिक 25,000 रुपए मूल्य तक के भारतीय नोट रख सकते हैं। 500 और 1000 रुपए के नोटों को बैन करने के बाद भारत में 200, 500, 2000 रुपए के नोट जारी किए गए। रिजर्व बैंक ने नए नोटों को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और इस वजह से नेपाल में इनका इस्तेमाल अवैध है। एनआरबी में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के चीफ भीष्म राज धुंगाना ने कहा कि चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक बड़े भारतीय नोटों को नेपाल में चलन की स्वीकृति नहीं दे रहा है, हमें नेपाल के लोगों के हित को बचाने के लिए उन पर प्रतिबंध लगाना पड़ा है। उन्होंने कहा, हालांकि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों विशेषकर बार बार भारत जाने वाले लोगों से असुविधा की शिकायतें मिलने के बाद हमने रिजर्व बैंक से बड़े मूल्य के भारतीय नोटों को यहां वैध मुद्रा बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन नोटों का नेपाल में परिचालन पूरी तरह रिजर्व बैंक के ऊपर निर्भर करता है।